हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये क्लिप से हमारे रॉकी भाई के चैनल पे हो रहे एक रीसेंट टूर्नामेंट की, जिसमें 6 गेम में से 3 गेम हमारी ओजी इलीट ने बुया निकाला। तो ये क्लिप से हमारे फर्स्ट गेम की, जिसमें हमारी ओरेंगुटैन ने 22 किल के साथ बुया निकाला। और इस गेम की खास बात ये थी कि हमारे ओल्ड मॉन्क भाई ने एंड जोन में LR7 को 1v4 क्लच मारा, और किसी प्लेयर का बेहतरीन क्लच और हमारे रॉकी भाई का कमेंट्री, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और उसके अलावा मैं टीम इनसाइन को देख पा रहा हूं, टीम इनसाइन वहां पे मौजूद है। अलादीन पे हमला, टीम इनसाइन फ्रॉम द टियर 1, टीम इनसाइन के ऊपर हमला कर दिया। टियर 1 से टीम इनसाइन पूरी कोशिश करते हैं, शाहिद भाई वहां पे ओपन टेरिटरी में, शाहिद भाई के सामने, ओ माय गॉड, व्हाट अ हेडशॉट, व्हाट अ हेडशॉट, एंड मिस्टर जयवाईटी, व्हाट अ ट्रैक शॉट दैट वाज। इट्स वेरी डिलीशियस मैन, एक और लूंगा मैं। राउंड भाई गला तर कर गया पूरा, मस्त है, रियली मस्त है। अब एक दिन में 77 किल्स का मेगा, ओ भाई साहब पार्टी भी शुरू हो गए भाई, बी द फिज मोमेंट, कहीं जय वाई टी से छूट कर किसी और पे ना चला जाए। मिस्टर जय वाई टी को रिवाइव मिल चुका है, और ऑडियंस से हम पूछते रहेंगे कि हम 2-3 मोमेंट बताएंगे, जैसे जय वाई टी का वो ड्रैग शॉट था, वो था बी द फिज मोमेंट। इसके अलावा भी अगर कोई अच्छा पल हम कैमरे में कैप्चर कर पाते हैं तो आपसे भी पूछेंगे। फिर उसके बाद ऑडियंस को फैसला करना है मेजोरिटी से वोट डालकर कि कौन सा पल जो है आपके हिसाब से होगा बी द फिज मोमेंट। बी बोल्ड, बी ब्रेव, बी द फिज मोमेंट। चार्ज बस्टर के साथ स्नाइपर गॉड सामने, आसिम भी चार्ज बस्टर के साथ खड़े, शॉन्टी के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करते हुए डिस्ट्रॉयर मिस्टर जेवाईटी, ओल्ड मॉन्क मिला शॉट, ओल्ड मॉन्क वन मोर टाइम ओल्ड मॉन्क, और नॉकआउट कर दिया पहाड़ी ने आके, 10 किल अभी से दर्ज कर दिए। शॉन्टी वहां पे बिल्कुल अकेले, बचना नामुमकिन शॉन्टी का, मिस्टर जयवाईटी भी वहां पे अटैक करते हुए, शॉन्टी के ऊपर ताबड़तोड़ हमला, मिस्टर जयवाईटी विद अ शॉट, तने जाओ पी विद अ हेडशॉट, 12 किल, ओरेंगुटान एलीट आज एक रिकॉर्ड बनाने के मूड में। अटैक करते हुए असैसिन्स पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ओरेंगुटान पीछे से आ गए, मिस्टर जयवाईटी आज फुल फॉर्म में, सबसे ज्यादा किल किए स्नाइपर गॉड पहाड़ी ने, पहाड़ी के पास मौका, सामने खड़े असैसिन्स के एक खिलाड़ी को डाउन किया, 2 खिलाड़ी को डाउन किया, पहाड़ी ओपी बोलते पहाड़ी ने फ्रीज बैंक डाली, विदित भी वहां पे नॉक किया, रिवाइव जरूर मिला, एक और नॉकआउट निकाल दिया पहाड़ी ने। पहाड़ी वहां पे अगर आप देखें किल्स की बौछार लगाते चले आ रहे हैं, लगातार किल्स के ऊपर किल्स, तनेजा ओपी का भी और किल, 16 किल, और एंगेटॉन इलीट पहले मैच में 16 किल कर चुकी है, दी इलीट का नारा चलते हुए जी गाइस काफी जरूर। लेकिन असिस्टेंस के प्लेयर अंदर मौजूद है, पहाड़ी देख नहीं पा रहे हैं वहां पे पहाड़ी, और यहाँ पे स्नाइपर गॉड पहाड़ी से गलती हो गई, और यहाँ पे ओल्ड मॉन्क अभी भी मुसीबत में, पहाड़ी का किल सिक्योर करना चाहते हैं, और ये ओ भाई साहब जान हलक तक आ गई थी यहाँ पे, बट यहाँ पे जैसे तैसे ओल्ड मॉन्क ने बाजी संभाली। ओरेंगुटान एलीट अगर बननी है बेस्ट टीम इस लॉबी की तो मार कर बताइए 2v4 LR7 को उन्हीं के एडवांटेज में। नेड आने की कोशिश, 7 नेट तो ओल्ड मॉन्क के पास भी है, 7 ग्रेनेड्स तो ओल्ड मॉन्क के पास भी है, चार्ज बस्टर और बैकअप भी आ रहे हैं वहां पे, शॉट, व्हाट अ शॉट ओल्ड मॉन्क, क्या बात है नैतिक, बहुत ही जबरदस्त शॉट यहाँ पे, कुल नेट डालेंगे ओल्ड मॉन्क के पास, 6 नेट है, ये लगा पहला नेट, और पहला नेट वहां पे डैमेज नहीं कर पाया, ओल्ड मॉन्क को सटीक नेट लगानी पड़ेगी, हील कर रहे हैं, पहाड़ी को बच के रहना पड़ेगा इस वक्त, एक भी गलती मुसीबत में डाल देगी, ऋषभ को नॉकआउट कर दिया, फ्रीज बैंक डाली पहाड़ी ने, वहां पे ऑलरेडी नॉकआउट है पहाड़ी, वहां पे फ्रीज बैंक से नॉकआउट हो चुके हैं, एक बार फिर से हमला, एक और नॉकआउट निकालते हुए यहाँ पे ओल्ड मॉन्क के पास बेहतरीन मौका है, कसाना भी काफी डैमेज हो चुका है, 2 बंदे वहां पे मौजूद है, ओल्ड मॉन्क यहाँ पे पहला नॉकआउट, ओल्ड मॉन्क बनाम कसाना टीम जिसने बुया किया है उनका नाम है दी एलीट। जी गाइस, नाम से भी इलीट और काम से भी इलीट दिखा दिया, और अपने चिट प्रतिद्वंदियों को 22 किल
एक नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, पंद्रह नहीं, बीस भी नहीं, 22 किल करके यहाँ पे बुया बुया बुया।